ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टैरो एंड दिस इज आपकी सितंबर लव फोरकास्ट रीडिंग फॉर स्कॉर्पियोज। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन किसी भी एस्ट्रोलॉजी से स्कॉर्पियो है, ये रीडिंग आपके लिए है फ्रेंड्स। इसमें हम आज लव देखेंगे, वर्क देखेंगे, करियर देखेंगे, एजुकेशन भी देखेंगे आपकी इस मंथ के लिए फ्रेंड्स। मैजिक वेंस टैरो हिंदी को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, काफ़ी सारे लोगों ने नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आप कोई भी रीडिंग ना मिस करें। जब भी हमारी रीडिंग आए आपके दिल की घंटियाँ बजती रहें। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो जो कर रहा है उसे रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ऑल्सो फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं एज मैजिक वेंस टैरो। टू बाय अ पर्सनल रीडिंग आप विजिट करें वेबसाइट www.magicwensterro.com। चलिए, और इंग्लिश वर्जन्स ऑफ द रीडिंग, टू वॉच इंग्लिश वर्जन्स ऑफ द रीडिंग आप हमारी दूसरी चैनल मैजिक वेंस टैरो पे देख लीजिए, वहाँ पे इंग्लिश वर्जन्स भी हैं, दोनों तरह से पोस्ट किए हैं, इंग्लिश और हिंदी। ओके फ्रेंड्स, आई विल नॉट टेक इट क्योंकि मैंने कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा है फिलहाल। आपकी एनर्जीज काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, ऑलरेडी जंप आउट हो रहे हैं आपके कार्ड्स। चलिए स्कॉर्पियोज, वेट नहीं करते हैं, आपके लिए थीम ऑफ द मंथ देखते हैं। सितंबर का कार्ड्स भी जंप कर ही रहे हैं आपके। फॉर सितंबर फॉर स्कॉर्पियोज, द थीम ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर। ओके वाओ, द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द नाइट ऑफ रॉड्स, द एस ऑफ कप्स। वाओ फ्रेंड्स, दिस इज ब्यूटिफुल। सो स्कॉर्पियोज, डेफिनेटली आपका फोकस जो है सेप्टेम्बर में प्यार पे रहेगा, मोहब्बत पे रहेगा, न्यू स्टार्ट्स पे रहेगा, और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, यूँ कहें कि न्यू स्टार्ट है, प्यार है, मोहब्बत है, प्रपोजल्स हैं, हो सकता है कोई आपको प्रपोज करे, या कोई न्यू कनेक्शंस, न्यू फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं आपके लिए, या कोई फ्रेंडशिप आपकी रिन्यू, फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स, प्रोफेशनल हो, वर्क हो, लव की हो, सब इम्पॉर्टेंट है, फैमिली की हो इम्पॉर्टेंट है। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स, आपको इस मंथ थोड़ी एन्जाइटी हो सकती है क्योंकि शायद ये न्यू स्टार्ट अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आया है, या आप किसी का वेट कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं हो पाई है, कोई भी चीज़ है जिसका वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा एन्जाइटी हो सकती है आपको इस मंथ स्कॉर्पियोज। डेफिनेटली देखिए, नाइन ऑफ रॉड्स की अगेन एनर्जी है, या आपके अगस्त में भी सिमिलर एनर्जीज थी स्कॉर्पियोज, नाइन ऑफ रॉड्स आया है, आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं इस न्यू स्टार्ट या जो भी आपकी विश है उसको पाने के लिए, अचीव करने के लिए, बट सेप्टेम्बर में वो चीज़ आपको मिलेगी, उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उसका लव आपको, जो लव आपको, शायद आप बहुत टाइम से सिंगल हैं, यू आर वेटिंग फॉर लव, तो आपको सेप्टेम्बर में मिलेगा फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट जो है वो सितंबर की एनर्जी है, आपको जो है सुख मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपको एक सुकून भरे महसूस होगा कि सुकून है ज़िंदगी में। नाइट ऑफ रॉड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, आप किसी एरीज लियो सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हैं इन दिस मंथ। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स, आप लोग काफ़ी पैशनेट रहेंगे, या आपको काफ़ी क्लियर रहेगा इस मंथ कि आपको क्या करना है लाइफ में, क्यों करना है, किस लिए करना है, और हो सकता है आप पैशन और इमोशंस के बीच में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं स्कॉर्पियोज, बिकॉज आई डू फील कि आप बहुत पैशनेट फील करेंगे इस मंथ, बहुत बोल्ड, बहुत करेजियस, वहीं पे आपके इमोशंस भी बहुत स्ट्रांग होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको एन्जाइटी हो सकती है कि दिल की सुने, दिमाग की सुने, क्या करें, थोड़ी सी वो एन्जाइटी मुझे लग रही है, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी गुड मंथ फॉर यू स्कॉर्पियोज, बहुत ही अच्छा एक्शन आप लेंगे, आप बोल्ड फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप हैप्पी फील करेंगे, और अगर आपको एन्जाइटी, डिप्रेशन है तो आपको वहाँ से रिलीफ मिलेगा फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और आई थिंक आप लोग अगर अकेले ही फाइट कर रहे हैं, आपको कोई सपोर्ट नहीं है लाइफ में, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको सपोर्ट भी मिलेगा इस मंथ लाइफ में, कोई सपोर्टिव फ्रेंडशिप्स, या सपोर्ट इन द सेंस जॉब पे सपोर्ट। आपकी लव लाइफ देखते हैं स्कॉर्पियोज, स्कॉर्पियोज देयर लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। स्कॉर्पियोज देयर लव लाइफ फॉर सितंबर। ओ माय गॉड, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, हो सकता है आपने, आपको किसी ने हर्ट किया क्योंकि एन्जाइटी का कार्ड है, हो सकता है आप कोई रिलेशनशिप ख़त्म करके आएँ, देखिए आपके कार्ड्स खुद ही आ रहे हैं,
थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंग्ड मैन, द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द फाइव ऑफ रॉड्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स. फॉर स्कॉर्पियोज एंजल्स, हाउ दिस मंथ विल बी फॉर स्कॉर्पियोज. द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. एंजल्स क्लैरिफाई द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स प्लीज. द सन, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द पेज ऑफ कप्स. माय गॉड, आपके कार्ड्स बहुत जंप कर रहे हैं. वाह फ्रेंड्स, डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप लोग किसी ट्विन फ्लेम के साथ या बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन के साथ डील करेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर. अगर आप लोग सिंगल हैं तो थोड़े से आप किसी पर्सन से नाराज़ हो सकते हैं या लाइफ से कि वाई अभी तक आप सिंगल हैं, क्यों आपकी लाइफ में ये रिलेशनशिप नहीं आई, या आप किसी आपको किसी पास्ट लवर ने बहुत साल हो गए शायद उन्होंने हर्ट किया है लेकिन अभी तक आप उससे बाहर नहीं निकल पाए. सो आई फील फ्रेंड्स स्कॉर्पियोज हो सकता है इन द स्टार्टिंग जो फर्स्ट वीक है सितंबर का, वहाँ पे आप जो है किसी पर्सन से नाराज़ फील करें या हर्ट फील करें या किसी पास्ट बहुत साल पुरानी रिलेशनशिप को लेके भी सोचें, पास्ट हार्ट एक्स, पास्ट तकलीफ़ों के सोचें, लेकिन आई फील आप उनसे निकल पाएंगे. अगर आप ऑलरेडी इस एनर्जी में हैं थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की, तो आप वहाँ से निकल के बहुत अच्छा फील कर पाएंगे या एक पॉजिटिविटी फील कर पाएंगे कि ठीक है जो हुआ उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ अच्छा हो सकता है इससे. आप डेफिनेटली एक्सेप्ट कर पाएंगे, मूव ऑन कर पाएंगे उस एनर्जी से. आई फील के हो सकता है आप लोग किसी पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कोई और पर्सन के साथ डील कर रहे हो. आई फील के आप किसी को, हो सकता है स्कॉर्पियोज आप किसी को पसंद करते हैं एंड यू वॉन्ट टू टेल देम, यू लाइक देम, यू लव देम. हो सकता है आपका क्रश हो किसी के ऊपर, बट आपको पता नहीं है कि आप उन्हें बोलें या नहीं बोलें, या बोलें तो क्या होगा, और वो अगर बोलें ना बोलें तो क्या होगा. सो आप में काफ़ी कश्मकश है फ्रेंड्स. देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन गोइंग ऑन इन सेप्टेम्बर. अगर आप हो सकता है अगर आप किसी को प्रपोज नहीं कर रहे हैं तो कोई आपकी तरफ कन्फ्यूज है कि आपसे बात करें या नहीं करें, क्योंकि वो करना चाहते हैं बट उन्हें डर है कि आप क्या कहेंगे. सो स्कॉर्पियोज काफ़ी सारी मिक्स्ड सिग्नल्स यहाँ पे हैं, मिक्स्ड एनर्जीज हैं. आई अगेन फील हो सकता है कोई प्रपोज करे आपको, लेकिन आप एक्सेप्ट ही ना करें स्कॉर्पियोज. अगर आप स्पेशली सिंगल हैं, प्रपोजल्स आ सकते हैं बट हो सकता है आप एक्सेप्ट ना करें बिकॉज आप थोड़ा एंजाइटी में हैं, थोड़े नर्वस हैं अपनी लव लाइफ को लेके. मुझे ऐसा भी लग रहा है अगर कोई पास्ट पर्सन आ रहे हैं फ्रेंड्स तो आप थोड़ा वेट करेंगे, आप इतनी जल्दी उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. यू विल कीप देम वेटिंग, या आप देखेंगे कि वेट एंड वॉच अप्रोच लेंगे, आप एकदम से उनको हाँ या जल्दी से हाँ या ना नहीं बोलेंगे. आई अगेन फील कि अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है तो अगर सितंबर के बिगिनिंग में भी नहीं होगा तो मिड में ज़रूर आपके लिए जो है लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ेंगी. लव लाइफ में डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, कम्युनिकेशंस आपके वापस से ओपन होंगे, पास्ट फ्रेंडशिप्स, न्यू फ्रेंडशिप्स, ओल्ड रिलेशनशिप्स, न्यू रिलेशनशिप्स दोनों मिलेंगी. और अगर आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो ये ऐसे संकोच में हैं या डरे हुए हैं आपसे बात करने में, ट्विन फ्लेम हैं, लवर हैं, हो सकता है पर्सन आपसे छोटे हैं इस वजह से थोड़े डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बट मिड ऑफ़ द वीक में, मिड ऑफ़ द मंथ में ये आपसे बात करेंगे और डेफिनेटली चीज़ें और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, प्रोग्रेस करेगी. काफ़ी सारे मुझे लग रहा है कि आप लोग हैप्पी प्लान्स बनाएंगे डेट करने के या मिलने के, या यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, या आपको काफ़ी हैप्पी टाइम्स मिलेंगे इस पर्सन के साथ मिड ऑफ द मंथ में. लाइक आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, हो सकता है उनका बर्थडे है, हो सकता है आपका बर्थडे. कैंसर्स का वैसे बर्थडे, स्कॉर्पियोज का वैसे बर्थडे जो है हो सकता है आपका आने वाला, लाइक इट्स कमिंग. सो मे बी आप लोग वो प्लान्स बनाएंगे बर्थडे के या उनके बर्थडे के. आई ऑल्सो फील के थोड़े से प्लान में या मस्ती में लड़ाई हो सकती है आप लोगों की, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं फिर से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि एनजाइटी और एस ऑफ कप साथ हैं तो जिससे आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा बहुत सारा प्यार और थोड़ा थोड़ा झगड़ा साथ साथ चल रहा है आपके. आई अगेन फील कि आप जब मंथ को एंड करेंगे तो कोई पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यू नो दे आर विशिंग, दे वॉन्ट यू, दे मिस यू, दे वॉन्ट यू बैक.
ऐसी एनर्जी है, और ये पर्सन जो है आपके साथ या तो कमिट करेंगे या ये आपको ऑफिशियली डेट करना चाहेंगे, या ये आपसे कहेंगे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं फेस टू फेस, या नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं रिलेशनशिप का, लेट्स गेट मैरिड। तो ये काफ़ी सारे बड़े डिसीजंस आपसे मांगेंगे एट द एंड ऑफ सितंबर, और आप जो है उस बारे में सोचेंगे, क्योंकि आप इनको कोई बहुत जल्दी से डिसीजन नहीं देने वाले हैं। बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स योर टाइम, दे वॉन्ट योर अटेंशन, दे वॉन्ट योर लव, दे वॉन्ट टू मूव इन विद यू। कुछ तो है यहाँ पे जो ये बहुत मेजर सा होगा, पर आप अपना टाइम लगाएंगे स्कॉर्पियोज, आपको बिल्कुल जल्दी नहीं है। अगर आप मैरिड हैं फ्रेंड्स, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि लड़ाई झगड़े की एनर्जी लग रही है, लेकिन वो साथ में ठीक भी हो जाएगी, लेकिन फिर वापस हो सकते हैं। सो ये एनर्जी है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आप सिंगल हैं, मुझे लग रहा है आप बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी को। यू विल टेक योर टाइम, मिड ऑफ द मंथ में ही आपको लगेगा कुछ पॉजिटिव है इस पर्सन में, और उसके बाद आप थोड़ा हैप्पी टाइम्स यू नो स्पेंड करेंगे। लेकिन सितंबर में एंड में वो आपसे कुछ बहुत मेजर मांग सकते हैं कि चलिए मिलते हैं, मूव इन करते हैं, या लेट्स ऑफिशियली डेट, लेट्स गेट एंगेज्ड। तो आप सोच में डूब जाएंगे कि क्या करना है। स्कॉर्पियोज काफ़ी इंटरेस्टिंग मंथ है, उतार चढ़ाव, तो नो वंडर आपको एनजाइटी है इस मंथ, आपके थीम में आया, क्योंकि हो भी इतनी सारी चीज़ें रही हैं लाइफ में। चलिए आपके लव लाइफ के लिए एक एडवाइस ले लेते हैं, क्योंकि आपको एनजाइटी का कार्ड मिला है और एक न्यू एस ऑफ कप्स भी है। स्कॉर्पियोज के लिए एडवाइस फॉर देयर लव लाइफ, टीच रीच आउट। डेफिनेटली फ्रेंड्स, कोई पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करना चाहते हैं, जो पर्सन आपसे प्यार करते हैं, या आपके एक्स लवर, ट्विन फ्लेम हैं। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स, हो सकता है आप अकेले, आपसे बात करना चाह रहे हैं लोग, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं उनसे बात, क्योंकि आपका मन नहीं है, या आपको डाउट हो रहा है, या आप रेडी नहीं है, वनरेबल फील कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, टेक योर टाइम, बट आप बात ज़रूर करें लोगों से, क्योंकि आप में काफ़ी मेच्योरिटी आई है, जो पिछली चीज़ें हुई हैं आपने उनसे काफ़ी विजडम गेन किया है। सो डोंट वरी अबाउट इट, आपने जो लेसन्स थे वो सीख लिए हैं, अब आपको दोबारा कोई हर्ट नहीं कर सकता। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप आने वाले सब लोगों को ना कर दें। यू टॉक विद देम, गेट टू नो देम, और आप में काफ़ी कुछ ऐसा विजडम है जो आप शेयर कर सकते हैं, या आपके पास काफ़ी इमोशनल मेच्योरिटी आ गई है, या आप इमोशनली मेच्योर पीपल अट्रैक्ट करेंगे इस मंथ। चलिए आपका करियर देखते हैं फ्रेंड्स। करियर, मनी, एजुकेशन, कैंसर्स, स्कॉर्पियोज, आई डोंट नो व्हाई आई कीप सेइंग कैंसर्स। फ्रेंड्स, आप जाके कैंसर रीडिंग देख लीजिए, दो बार मैंने बोल दिया है, आप देख लीजिए जाके, हो सकता है इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देयर वर्क करियर फॉर कैंसर्स, अगेन कैंसर्स, स्कॉर्पियोज, सॉरी फ्रेंड्स, फॉर स्कॉर्पियोज। जब ज़्यादा रीडिंग करते हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ी ऐसा हो जाता है। फॉर स्कॉर्पियोज, देयर कैन देयर वर्क, देयर जॉब, मनी, एजुकेशन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। वाओ, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड द एक कार्ड और आया है, द टू ऑफ कप्स। स्कॉर्पियोज, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, आप लोग बहुत क्लियर हैं इस मंथ, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, और अगर आप नहीं हैं तो ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी इस मंथ के एंड तक या मिड तक। फ्रेंड्स, आप लोगों को कम्युनिकेशंस भी मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस, हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, लेकिन आ रहे हैं कम्युनिकेशंस। आई ऑल्सो फील अगर आप लोग किसी लीगल इश्यूज या परमिट्स या कोई अथॉरिटी की तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, हो सकता है वो नेगेटिव आए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आएगा ज़रूर, कम्युनिकेशन आने वाले हैं। जैसे आप किसी परमिशन का वेट कर रहे थे, आपको मिलेगी वीज़ा परमिट या कुछ, हो सकता है वो अभी के लिए मना कर दें, या कहें कि दोबारा अप्लाई करें, या ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें। तो मुझे लग रहा है कुछ कम्युनिकेशंस आएंगे आपकी तरफ, जो अथॉरिटीज़ या परमिशंस को लेके हैं। आई ऑल्सो फील आप थोड़ा सा कन्फ्यूज फील करेंगे इस मंथ अपने करियर को लेके, एजुकेशन को लेके, कि आप डबल माइंड्स में, आपको क्या करना है समझ नहीं आ रहा। जिस करियर में, क्या वो उसका फ्यूचर है, आपको पता नहीं है। आप ये भी सोच रहे हैं जिस एजुकेशन में आप हैं, क्या उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, आप इसके बारे में भी श्योर नहीं है। तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स, डरने की बात नहीं है। सितंबर में आपका वर्क जो है और एजुकेशन इम्प्रूव होगी, आपको पैसे मिलेंगे, जो
टफ टाइम से आप गुजर रहे हैं स्कॉर्पियोज, आप उससे बाहर निकल पाएंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। एब्सोल्युटली एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी इन द मंथ ऑफ सितंबर कि अपने पैसे बचा के रखिए, ज़्यादा पैसे ना खर्च करें। आपको बहुत मन करेगा एक्स्ट्रा 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 खर्च करने को। अगर आपको ज़्यादा कर रहा है, मुझसे रीडिंग बाय कर लो, ज़्यादा महंगी नहीं होती है। बट मैं आपसे फिर भी कहूँगी कि फ्रेंड्स, डोंट नॉट ओवर स्पेंड, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको बहुत मन करेगा ओवर स्पेंड करने का या खर्चा करने का, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो अच्छा आइडिया है। या आप जैसे सोचेंगे हम म्यूचुअल फंड्स में या कुछ ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दें, गोल्ड खरीद लें, कुछ तो आप करना चाहेंगे ओवर द टॉप, लेकिन फ्रेंड्स आप ना करें उसको, थोड़ा बचा के रखें। ऑल्सो आप अपने जो आगे के प्लान्स हैं वो भी अपने तक ही रखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ज़रूरी है। आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब में हैं, अपने तक रखिए अपने प्लान, सबको मत बताइएगा। आई ऑल्सो फील कि आपको एस ऑफ कप्स जो यहाँ पे आया है, हो सकता है कोई इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप लव के थ्रू, जो लव पार्टनरशिप है वर्क के थ्रू आ रही हो, ये देखिए। सो डेफिनेटली आपको वर्क के अंदर जो है काफ़ी हारमोनियस कनेक्शंस मिलेंगे, या यू नो सपोर्टिव लोग मिलेंगे जो अभी तक नहीं थे आपकी लाइफ में, सपोर्ट मिलेगा आपको। आई ऑल्सो फील कि हो सकता है कोई आप लोग जॉइंट वेंचर या किसी फ्रेंड के साथ काम शुरू करें, या आप किसी या आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपको कुछ उसमें नए लोग जुड़ेंगे और उससे आपका वर्क और करियर बढ़ेगा। हो सकता है कि आपको इस बारे में डाउट हो कि क्या ये वेंचर्स सक्सेसफुल होंगे अगर हम किसी के साथ ज्वाइंट करके काम कर रहे हैं, ज्वाइंट बिजनेस कर रहे हैं या ज्वाइंट पार्टनरशिप में कर रहे हैं। आई थिंक आप सक्सेसफुल रहेंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप किसी एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई के साथ काम करें या वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, बट आई थिंक आपको काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी अपने वर्क में। देखिए डेफिनेटली एस ऑफ रॉड्स, आप नई चीज़ें, आपके नए आइडियाज़ बहुत सारे रहेंगे, आप उनको लिख लीजिए और आप उन पे वर्क भी करेंगे, आपको सही लोग भी मिलेंगे उनके साथ नए आइडियाज़ पे काम करने के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, मुझे डेफिनेटली लग रहा है फ्रेंड्स आप टीम स्टडी, ग्रुप स्टडी और वो सब सक्सेसफुल रहेंगे। कोई रोमांस भी आ सकता है आपके लिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो, ऑनलाइन सोशल मीडिया से या आप जहाँ पढ़ते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ से। आई ऑल्सो फील कि आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा यू नो मोटिवेटेड और एक्साइटेड रहेंगे इन सेप्टेम्बर, लेकिन ऑल्सो मुझे लग रहा है अपने स्टडीज़ को लेकर बहुत मोटिवेटेड रहेंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आपके प्लान्स बहुत बड़े बड़े रहेंगे, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा उस पर ज़्यादा एक्शन भी लीजिए, सिर्फ सोचिएगा नहीं, क्योंकि टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। जैसे आप सोच बहुत रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो काम भी कीजिए, एक्शन भी लीजिए। चलिए आपके एडवाइस देखते हैं। Advice for the month of September for Scorpios. Wow, देखिए third eye chakra and open up and strengthening bonds. Ace of Wands, friends क्या चल रहा है? Ace of Cups, Ace of Wands, बहुत ही interesting energies हैं आपकी। Definitely ये month आपके लिए relationship oriented है। आपकी family क्या सोचती है, आपके यू नो आपकी लव रिलेशनशिप्स कैसी हैं, कौन आपके कलीग्स हैं, वो सब आपकी जो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स, वो बेहतर होंगी और अच्छी। कोई न्यू अट्रैक्शन भी हो सकता है, न्यू लव अफेयर भी हो सकता है, या न्यू पर्सन सोलमेट हो सकते हैं, या कोई कलीग या कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे, या कोई न्यू टीचर आ सकते हैं आपकी लाइफ में, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स थर्ड आई चक्रा है तो आपको काफ़ी मैसेजेस मिलेंगे इस मंथ यूनिवर्स से, या अपने इंट्यूशन से, या थ्रू योर सराउंडिंग्स। तो आपको अपना दिमाग दिल दिमाग थोड़ा खुला रखना चाहिए और उनको एक्सेप्ट करना चाहिए जो मैसेजेस आ रहे हैं, और आप चाहें तो लिख लें उन्हें। नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, ओपन अप की भी एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्स, डेफिनेटली मैरिजेज आर इम्पॉर्टेंट, हो सकता है कुछ लोग आप मैरिज करना चाह रहे हैं, या आप लोग यू नो यू आर लुकिंग के कोई ऐसा मिल जाए पार्टनर, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी रिलेशनशिप्स मैरिज में एक्साइटमेंट और पैशन आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो आप सोच रहे हैं कि मैरिज पार्टनर मिल जाए, आई थिंक आपको आपका इंट्यूशन जो है वो गाइड करेंगे। ऑल्सो कोई ऐसे पर्सन भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में जिनसे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है या इंट्यूटिव कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं,
और बातें ज़रूर करें स्कॉर्पियोज, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बात ही नहीं करेंगे, लोग आ रहे हैं क्योंकि थोड़ी एनजाइटी है, थोड़े आप डिफेंसिव हैं स्कॉर्पियोज, तो टॉक टू पीपल, गुड पीपल आर कमिंग फॉर यू। चलिए आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेज देखते हैं फॉर स्कॉर्पियोज। ओके, देखिए स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस्ड, ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, आप बैलेंस में रहें क्योंकि एनजाइटी का कार्ड है। ज़्यादा चिंता ना करें, ओवर एक्सेसिव थिंकिंग ना करें, मे इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और मे जो मंथ है वो टॉर्टोइज, स्लोली बट श्योरली यू आर गेटिंग अहेड, चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ रही हैं फ्रेंड्स, आप टेंशन ना लें। सेप्टेम्बर काफ़ी चीज़ें आगे प्रोग्रेस करेंगी आपकी लाइफ में। विक्ट्री इन सम एंडेवर, आपकी जीत होगी, निश्चित तौर पे होगी। माउंटेन, मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम, जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपको, कि आप सो नहीं पा रहे हैं, आपको कम नींद आ रही है, बहुत एक्साइटमेंट है, या आप बहुत एक्साइटेड हैं, एंशियस हैं किसी चीज़ को लेके, एग्ज़ाम को लेके, या किसी जॉब को लेके, या किसी अट्रैक्शन किसी पर्सन के साथ उसको लेके। थोड़ा सा रिलैक्स करें फ्रेंड्स, अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी दें। शार्क, टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटीरियल वेल्थ, मैंने आपको बोला फ्रेंड्स, आपको पैसे तो बचाने हैं, आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है इस मंथ। मिसअंडरस्टैंडिंग, द वॉल, जून इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मुझे लगा ही था जब मे आया कि जून भी इम्पॉर्टेंट है, और जून का कार्ड आ गया है फ्रेंड्स आपके लिए। वेल्थ इज़ कमिंग फ्रेंड्स, देखिए आप वेल्थ को लेके परेशान हैं, आपके लिए वेल्थ आ रही है डेफिनेटली। सक्सेस, सक्सेस भी मिलेगा आपको। एंड कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी द सेम, अ चेंज इज कमिंग, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स डेफिनेटली, आप घबराए नहीं। सीजर्स, डिसअपॉइंटमेंट्स इन सम अफेयर, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, चाहे चिंता है, चाहे थोड़ी डिस्टेंस बनाना हो पास्ट के लोगों से, लेकिन वो चीज़ें अच्छी रहेंगी आपके लिए। कुछ नेगेटिव आदत भी छोड़ सकते हैं आप इस मंथ, कि आप स्मोक करते हैं या आप ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं, तो वो आप उसको थोड़ा कम कीजिए फ्रेंड्स। अभी के लिए तो इतना ही, मैजिक वेंस टेरो हिंदी को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.magicwensterro.com फ्रेंड्स, और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें एज मैजिक वेंस टेरो। दिस इज़ मिस्टेक सी सिंह, बाय।